बेटा इशू ऑफ शेयर्स के अंदर आज की क्लास में हम प्रोराटा अलॉटमेंट करेंगे, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि प्रोराटा अलॉटमेंट में फोर फीचर और री इशू दोनों किस तरीके से किए जाते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो लिख रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे बेटा सब आप। क्वेश्चन है बेटा आपकी बुक का ही क्वेश्चन नंबर 98। इसमें यह बोला गया है कि पब्लिक ने जो एप्लीकेशन दी है यानी कि अप्लाई किया है 1,00,000 शेयर्स के लिए किया है, और हमने उनको जो देने हैं शेयर्स वो कितने देने हैं 75,000। शेयर्स वर अलॉटेड टू द ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस। एक्सेस मनी रिसीव्ड फ्रॉम एप्लीकेशन वाज ट्रांसफर टूवर्ड्स सम ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान से देखेंगे बेटा। यहां पर यह है कि एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट जो आपका आया है बेटा वो आया है 4 रुपए का। फर्स्ट कॉल जो बेटा आपकी आई है वो आई है 3 रुपए की, और फाइनल कॉल जो है बेटा वो भी कितने की है 3 रुपए की। टोटल शेयर कितने का है ये, ठीक है। वो कहता है जितना भी एक्सेस, देखो एक्सेस तो आया होगा 25,000 शेयर पे, जो भी एक्सेस आया है क्योंकि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट साथ में आ गया है, तो अब एडजस्ट कहाँ पे करना हमें, वो फर्स्ट कॉल में करना है। यानी जो हम इक्वेशन बनाते हैं वो किसके लिए बनाएंगे, अब वो फर्स्ट कॉल के लिए बनाएंगे। कहता है कि ऑल द शेयर्स रिसीव्ड, एक पर्सन है बेटा यहाँ पे विभा, हु वाज अलॉटेड 750 शेयर्स, अप्लाइड अलॉटेड, हमने इनको 750 शेयर्स क्या करे हैं यहाँ पे अलॉट करे हैं। फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, इन्होंने फर्स्ट कॉल पे। उसके बाद बेटा एक पर्सन है मोनिका, इन्होंने 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, और इन्होंने हमें पे नहीं करी क्या फाइनल कॉल। दोनों के शेयर्स को हमने फोरफिट कर लिया, और 9,000 रुपए में दोनों के शेयर्स क्या कर दिए मैंने यहां पे री इशू कर दिए, फुली पेड अप मान के। ठीक है बेटा, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है आपके सामने। अब बहुत ध्यान से पहले यहां पे हम केस करेंगे किसका बेटा, यहां पे विभा का केस लेते हैं हम, और अब बोलना बंद कर दीजिए सब। विभा का केस समझेंगे बेटा, यहां पे देखिए विभा के केस में ये है बेटा, यहाँ पे अप्लाइड, पूरा स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर रहा हूं मैं आपको, अलॉटेड, इसको बेटा हमने 750 शेयर्स दिए हैं, और कंडीशन हमारे पास ये है कि जिसने 1,00,000 मांगे हैं हमने उसको कितने देने हैं 75,000। तो इसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, साफ साफ पता चल रहा है सर 1,000 शेयर्स के लिए, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसकी वैल्यू निकालोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी। यानी कि सर विभा ने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, 1,000 शेयर्स के लिए किया होगा। अब यहाँ पे बेटा वही वर्किंग नोट बनाऊंगा जो मैंने आपको बताया था, ध्यान से देखेंगे आप वर्किंग नोट, एंट्री इधर करके दिखाऊंगा आपको, पहले वर्किंग नोट देखिए। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, सर एप्लीकेशन मनी मिली है 1,000 शेयर पे, 4 रुपए के हिसाब से हमारे पास कितने रुपए आए हैं 4,000। एप्लीकेशन मनी, लेकिन सर हमें इसके ऊपर जो एक्चुअली मनी मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए 750 इंटू में, यानी कि 3,000 रुपए। एक्सेस कितना आया सर मेरे पास 1,000 रुपए। क्वेश्चन क्या कहता है कि सर जो एक्सेस मनी आई है वो कहां पे एडजस्ट करनी है मेरे को, फर्स्ट कॉल में करनी है। तो यहां पर आप लिखोगे अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट ड्यू है सर 750 इंटू 3 रुपए की फर्स्ट कॉल है सर 2,200। ऊपर एक्सेस कितना आया हुआ है सर मेरे पास 1,000 रुपए का एक्सेस आया हुआ है, तो यहां कितना बच गया सर नॉट पे। तो सर विभा ने फर्स्ट कॉल पे अमाउंट कितना पे नहीं किया, यहां पे 1,250 रुपए का पे नहीं किया।
अब मैं बेटा अगर इसकी जर्नल एंट्री करता हूं तो देखिए जो आपको बताई हुई है क्या शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड सर नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 750 इनटू में क्योंकि बेटा उसने फर्स्ट कॉल के बाद इसे फॉरफिट कर लिया तो इसने कॉल्ड अप कितना करा होगा 7 रुपए कॉल्ड अप क्या होता है जितना उसने पैसे मंगवाए इनटू क्या कर दो यहाँ पे 7700 7535 3 हासिल 77 49 5200 2 शेयर फोर फीचर में सर वो अमाउंट आता है जितना उसने हमें दे दिया दिया कितना 4 रुपए 3000 नहीं देखो फोर फीचर में क्या आएगा उसको ध्यान से देखना बेटा अब यहाँ पे यही थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी यहाँ वरना बेटा एक तो उसने 750 × 4 ये दिया प्लस एक्सेस कितना दिया उसने 1000 रुपए का तो सर ये हो गए 3 और टोटल मिला के कितने रुपए दिए उसने जैसे आप ये 4000 लिखोगे ना आपके पास रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगा नॉट पेड वाला पे कितना नहीं किया उसने फर्स्ट कॉल पे 1250 वही बैलेंस आ रहा है देखो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं पे क्या नहीं किया सर उसने 2 शेयर 1200 सिंपल सा क्वेश्चन है क्या कि सर कितने मंगवाए इतने मंगवाए पे कितना किया सर उसने टोटल अमाउंट ये पे किया कितना पे नहीं किया सर उसने ये वाला पे नहीं किया क्लियर है बेटा यहां तक सबको क्लियर है पक्का चलो मान लेते हैं अब इसके बाद बेटा अगला केस करता हूं मैं यहां पे किसका है जी ये मोनिका के लिए देखते हैं क्या है मोनिका के केस में बेटा यहां पे दिया हुआ है कि इन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया है 1000 के लिए हमने इनको अलॉट कितने करे होंगे 750 इसमें ना ये इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें उसका रीजन पूछो क्या है सर क्यों सर वो सेकंड कॉल पे नहीं कर रही फाइनल कॉल और हमने अमाउंट कहां पे एडजस्ट करना था सिर्फ फर्स्ट कॉल में तो जहां पे अमाउंट एडजस्ट होता है वहीं तो निकालना है कि एक्स्ट्रा कितना आया यहां तो कुछ एक्स्ट्रा आया ही नहीं इसकी सीधी एंट्री पास हो जाएगी देखो कैसे बस हमें यहाँ पे ये निकालना है कि हमने इसको अलॉट कितने करे सर अलॉट कितने करे 750 अब ये हो गई इसकी एंट्री थी बेटा ये वाली विभागी अब हम किसकी कर रहे हैं यहाँ पे एंट्री सेम एंट्री ऐसे ही होगी कैसे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू अब लेकिन जो कॉल्ड अप होगा बेटा वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 10 रुपए क्योंकि उसने फाइनल कॉल भी मंगा ली तो अब कॉल्ड अप कितना हो गया 10 7500 रुपए यहां पे क्या आएगा सर जो पैसा उसने हमें पे कर दिया सर 750 × 4 और 3 7 अभी हमने निकाला था वो अमाउंट कितना बैठता है 5200 पे क्या नहीं करा सर उसने 2 शेयर फाइनल कॉल 750 × 3 कितना हो गया था ये 2200 ठीक है अब हमने टोटल शेयर्स कितने फॉरफिट करे बेटा 1500 कितने शेयर्स फॉरफिट करे भाई 750 इसके और 1500 शेयर वो कहता है हमने ये सारे के सारे शेयर्स क्या कर दिए सर रीइशू कर दिए कितने रुपए में रीइशू करे 9000 में फुली पेड अप मान के तो अगर बेटा मैं रीइशू की एंट्री करता हूं यहां बैंक अकाउंट कितना दिया हुआ है 9000 2 शेयर कैपिटल फुली पेड अप है ना बेटा तो 1500 × 10 कितना आ गया 15000 डिफरेंस कितने का बचा सर 6000 रुपए का वो 6000 रुपए कहां से लिए जाएंगे शेयर अब यहां से हमें चीज क्या समझनी है सर यहां पे मैंने कितना फॉरफिट किया था 4000 यहां पे कितना फॉरफिट किया है 5250 टोटल होता है सर 9250 में से मैंने यूज कितने कर लिए सर यहां पे 6000 बाकी कितना बचा 3250 वो कहां ट्रांसफर होगा सर कैपिटल 3200 क्लियर
तो ये 3250 रुपए कहाँ चले गए बेटा आपके? कैपिटल रिजर्व के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए बेटा आप सब, क्वेश्चन नंबर 97 करेंगे अब। यहाँ पे देखेंगे सब बेटा, इसमें कह रखा है कि जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है, यानी कि लोगों ने अप्लाई किया है बेटा, और हमें यहाँ पे अलॉट करना है। 30,000 एप्लीकेशंस आई हैं और 20,000 शेयर्स हमने देने हैं। एप्लीकेशन जो है 6 रुपए की है, अलॉटमेंट जो है बेटा वो 1:2 फर्स्ट कॉल जो है बेटा वो 2 रुपए की है और फाइनल कॉल जो है बेटा वो आपकी 1 रुपए की है। आगे क्वेश्चन में ये कहता है कि एप्लीकेशन 6,000 फॉर रिजेक्टेड। रिजेक्टेड का मतलब होता है बेटा हमने उनका पैसा क्या कर दिया, एक तरीके से वापस कर दिया। तो बेसिक अगर मैं इस कंडीशन को थोड़ा सा और ठीक करते हैं इसको यहाँ पे, अप्लाइड अलॉटेड 30,000 को 20,000 देने हैं, 6,000 को निल दिया है, 24,000 वालों को हमने क्या करे हैं 20,000 दिए हैं। ये इक्वेशन बनती है आपकी। कहता है कि अभय एक पर्सन है बच्चे यहाँ पे, अभय को बेटा उसने अलॉटमेंट पे नहीं किया और उसने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करी 500 शेयर्स पे, और 500 शेयर्स जो थे हमने उसको क्या किए थे यहाँ पे अलॉट किए हैं। इसने इस पे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे नहीं करी। और कहता है ऑफ दिस शेयर्स 300 शेयर्स वर रीइश्यूड, इस 500 में से मैंने 300 शेयर्स रीइश्यू करे फुली पेड अप 6 रुपए के अंदर। 6 रुपए के अंदर हमने ये रीइश्यू कर दिया। ये बेसिक सा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए बेटा, सबसे पहले ना यहाँ पे वर्किंग नोट ही बनाते हैं, एंट्री बाद में करेंगे इसकी। अभय अप्लाइड अलॉटेड 500 शेयर्स हमने इसको अलॉट करे हैं, 24,000 वालों को हमने 20,000 करे थे, तो इसको हमने कितने करे होंगे? तो x इंटू 24,000 इंटू 500 अपॉन में 20,000। बेटा 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो गई, इस 2 जीरो से ये गई, 2 एकम 2 600 शेयर्स आ गए। यानी सर इसने एप्लीकेशन कितने पे दी है मेरे को? 600 पे दी है। अब बेटा वर्किंग तैयार कर लेंगे यहाँ पे, क्या एप्लीकेशन मनी 600 इंटू में 10 6,000 नहीं एप्लीकेशन है ना, ठीक है। एप्लीकेशन जो है बेटा वो कितने की आपकी यहाँ पे 6 रुपए की, 600 इंटू में 3600 रुपए। एप्लीकेशन मनी टू बी रिसीव्ड आनी कितने पे चाहिए बेटा? 500 इंटू 600 रुपए के आ गए आपके पास। अलॉटमेंट ड्यू, इसमें एक दिक्कत आई होगी, अलॉटमेंट जो ड्यू है बेटा वो कितने का हुआ? 500 इंटू 1 कितना हो गया? 500 इंटू 1 500 आ गए ना हमारे पास भाई। अलॉटमेंट कितने का ड्यू बैठता है? 500 इंटू 1 का, लेकिन मेरे पास एक्सेस कितना आया हुआ ऊपर? 600 रुपए। तो ये पूरे 500 तो क्या हो गए बेटा यहाँ पे? एडजस्ट हो जाएंगे हमारे। अच्छा हाँ, प्रीमियम है ना, तो 500 इंटू 3 1500, ठीक है प्रीमियम भी है ना बेटा वहां पे, तो 500 इंटू 3 1500। एक्सेस इसमें से आपने माइनस कर दिया 600 का, यहाँ क्या नहीं पे करा बेटा उसने? 900 रुपए, ठीक है। अब हमें इसका क्या बनाना है बेटा? जनरल एंट्री करनी है। तो देखिए यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बेटा 500 शेयर्स, कॉल्ड अप इसमें क्या है बेटा?
उसने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पे नहीं करा तो 6 और 1 7 और 1 8 कॉल्ड अप कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे 8 अच्छा 9 6 7 और 2 9 कॉल्ड अप कितना हो गया बेटा मेरा यहाँ पे 9 रुपए कितना आ गया बच्चे यहाँ पे 4500। अब ये वाली एंट्री यहाँ पे थोड़ा सा रोल प्ले करती है जब मैंने आपको लास्ट में भी कराई थी। अब सर एक्चुअल में जो उसने पे करा है ना उसने करा 500 इंटू 7 तो 1 आ गया 500 इंटू 7 पे क्या नहीं करा उसने। रुक जाओ भाई रुक जाओ शांति। उसने ये पे करा है ये और ये पे यहाँ पे क्वेश्चन खत्म। तो सर जब उसने एप्लीकेशन पे करा है लेकिन अलॉटमेंट पे नहीं करा तो इसका मतलब उसने 2 रुपए का प्रीमियम भी पे नहीं करा तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 500 इंटू 2 कितना हो गया बेटा ये 1000। टू शेयर फोर फीचर में कौन सा अमाउंट आता है बेटा जो उसने पे कर दिया। पे क्या किया है उसने सिर्फ एप्लीकेशन 6 रुपए की प्लस क्या पे किया उसने यहाँ पे एक्सेस पे किया 600 रुपए का तो 5 6 30 और 6 कितने हो गए यहाँ। पे क्या नहीं किया उसने बेटा टू शेयर अलॉटमेंट कितने का पे नहीं करा और क्या पे नहीं करी टू शेयर फर्स्ट कॉल कितने की है सर ये 2 रुपए की। टोटल आ गया बेटा आपका वापसी वही सेम। अब वो कहता है कि इसमें से हमने 300 शेयर्स रीशू करे 6 रुपए के हिसाब से फुली पेड अप में। तो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट 300 इंटू 6 कितने हो गए 1800 फुली पेड अप है। 300 इंटू 10 कितने हो गए 3000। अब जो बेटा डिफरेंस बचा वो कहां से लिया जाएगा शेयर फोर फीचर से 300 इंटू 4 1200। अब यहां पे बेटा इक्वेशन बनेगी क्या सर 500 शेयर्स पे ये वाली इक्वेशन देखो 500 शेयर पे मेरा फोर फीचर का अमाउंट कितना है सर यहां पे 3600 तो एक शेयर पे कितना होगा सर 3600 बटा इंटू मेरे को रीशू कितने करने हैं 300 रीशू कितने करने हैं डबल जीरो से डबल जीरो काट दो 5 बन जा 5 5 6 जा 6 6 36 6 3 18 और 3 21 ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गई थी ना एक जीरो रह गई हो 2160 आ गया बेटा। अब इस 2160 में से मैंने कितने यूज कर लिए यहाँ पे 1200 2160 में से कितने यूज कर लिया मैंने यहाँ 900 आंसर कितना है और आंसर तुम्हारा भी 960 ही है